तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। देखो, राशन कार्ड जो डिपार्टमेंट है उसमें नई वैकेंसी निकल के आई है। यानी अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं इस वैकेंसी के लिए तो अपनी जो ग्राम पंचायत होती है वहां पे आपको नौकरी मिलेगी। ये अच्छी भर्ती निकल के आई है अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं। राशन कार्ड जो डिपार्टमेंट है, जो खाद्य आपूर्ति विभाग है, उनके द्वारा इसके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, अपने गांव में नौकरी करना चाहते हैं, अपनी ग्राम पंचायत में, तो वीडियो को पूरा देखना। देखो, इसमें जो राशन कार्ड डिपार्टमेंट है उनके द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग है उनके द्वारा। अब नोटिफिकेशन जो जारी कर दिया गया, लेकिन इसमें पद वो कितने रखे गए हैं, देखो इसमें पद 3224 पद वो रखे गए हैं। नोटिफिकेशन जारी हो चुका, आवेदन फॉर्म है स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो भी पास में आने वाली है। अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। देखो, अप्लाई करने के लिए आपके पास है ना कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए, शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है फॉर्म भरने के लिए, इसमें फीस कितनी लगेगी फॉर्म भरने के लिए, आपको फॉर्म कैसे भरना है, ऑनलाइन भरना है या ऑफलाइन भरना, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। देखो, जो भी मैं जानकारी आपको बताता हूँ तो वीडियो को पूरा देखा करो, फिर आप कमेंट करेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी जानकारी होती है वीडियो के अकॉर्डिंग, जो भी राशन कार्ड में जो वैकेंसी निकल के आई है राशन कार्ड विभाग के अंदर, अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसकी जानकारी आपको मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखा करो। अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। देखो, छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी नई भर्तियां आती है, जो भी नई नई योजनाएं आती है, आपको हमारे 5G दुनिया शेड्यूल चैनल पे आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसका मैसेज है वो पहुंच सके। अब चलते हैं हमारी बोर्ड की स्क्रीन के ऊपर। तो आ चुके हैं बोर्ड की स्क्रीन के ऊपर। खाद्य जो नागरिक आपूर्ति विभाग है उनके द्वारा ये नोटिफिकेशन है जारी किया गया है, जो राशन डिपो में जो भर्ती निकल के आई है 2024 में। अब देखो, राज्य सरकार ने राशन डिपो भर्ती के लिए विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया। इसके लिए 3224 पद वो रखे गए हैं। इस भर्ती का आयोजन है वो किया जा रहा है। इस भर्ती के लिए 12वीं पास अभ्यर्थी है वो आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन मोड में आपको आवेदन फॉर्म है वो भरना है। आवेदन ऑनलाइन रखे गए हैं, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आप भर सकते हैं। 3224 पद वो रखे गए हैं। देखो, राशन डिपो भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जो अभ्यर्थी अपनी पंचायत में ही राशन डिपो भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए ये शानदार अवसर है, क्योंकि अपने गांव में अपने ग्राम पंचायत में आपको नौकरी मिलेगी। अभ्यर्थी राशन कार्ड डिपो में नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती के लिए महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी वो आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों के लिए भर्ती है वो निकल के आई है। राशन डिपो भर्ती के लिए 3224 रिक्त पद वो भरी जाएंगी। इस भर्ती के लिए प्रत्येक जो अलग अलग गांव है उसमें ग्राम पंचायत है उसी स्तर पर ये भर्ती है वो निकल के आई है। आगे मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा नोटिफिकेशन को ओपन करके कि आपकी ग्राम पंचायत में ये वैकेंसी है या नहीं है, आपकी ग्राम पंचायत का नाम है या नहीं है, आपको सारी जानकारी मिलेगी। वीडियो को पूरा देखना, आगे नोटिफिकेशन ओपन करूंगा। देखो, राशन जो डिपो वैकेंसी 2024 के लिए है, नोटिफिकेशन है खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग है उनके द्वारा ये नोटिफिकेशन है जारी किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। और इसमें जो पोस्ट रखी गई है, पंचायत में जो राशन डिपो होता है, जो गेहूँ वगैरह वितरित किए जाते हैं पंचायतों में, पंचायत वहाँ पे ये वैकेंसी निकल के आई है राशन डिपो में। तो आप वहाँ पे नौकरी लगना चाहते हैं तो इस भर्ती के अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और नौकरी कर सकते हैं अपने गाँव में ग्राम पंचायत में। देखो, इसमें जो पोस्ट रखी गई है, 3224 पद वो रखे गए हैं। 3224 पदों के लिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। जॉब लोकेशन है, देखो ये इसमें ऑल इंडिया, यानी ऑल इंडिया के लिए ये भर्ती निकल के आई है। अब देखो, ये नोटिफिकेशन किसका जारी हुआ है, कहाँ पे जारी हुआ है, आपको सारी जानकारी आगे मिलेगी। ऑल इंडिया में ये भर्ती निकल के आई है नहीं आई है, और आपकी जो फॉर्म होंगे आपको ये ऑनलाइन फॉर्म भरना है, जो भी स्टूडेंट आवेदन फॉर्म अप्लाई करना चाहता है। आगे देखो, बात करते हैं स्टार्टिंग फॉर्म की। आपकी जो फॉर्म है वो 25 जुलाई 2024 से शुरू हो चुके हैं, यानी 25 जुलाई से आपके आवेदन शुरू हो चुके हैं। और आपके आवेदन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रखी गई है फॉर्म भरने की राशन डिपो में, वो 8 अगस्त 2024 से वो रखी गई है। यानी आपके फॉर्म 25 जुलाई से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट आने वाली है फॉर्म, अगर आपने नहीं भरा है तो फॉर्म भर लेना। आगे देखो, इसमें आपकी एज लिमिट है वो क्या रखी गई है, आपकी आयु सीमा इसमें मिनिमम आपकी जो आयु सीमा है वो 21 वर्ष रखी गई है। 21 वर्ष के नीचे का स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकता है। 21 वर्ष रखी गई, 21 से लेकर आपकी जो मिनिमम मैक्सिमम आपकी एज लिमिट है वो 45 वर्ष रखी गई। 21 से लेकर 45 वर्ष का स्टूडेंट है, चाहे पुरुष हो या महिला है, वो आवेदन फॉर्म भर सकती है। और आपकी एज कैलकुलेशन होगी वो 8/8/2024 का आधार मानकर की जाएगी। आगे देखो, हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। आवेदन शुल्क वो क्या रखा गया है फॉर्म भरने के लिए। देखो, इसमें जो आवेदन शुल्क है, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, चाहे एसएसटी पीडब्ल्यूडी हो, किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट है, यानी आपका आवेदन फीस है वो नहीं देनी है फॉर्म भरने के लिए। किसी भी प्रकार की कोई एप्लीकेशन फ़ीस है वो नहीं रखी गई है। और देखो, इसमें आपका जो पेमेंट होगा आपको ये जमा नहीं करवाना है।
पेमेंट आपको जमा करवाना है अगर आपका नंबर लिस्ट में आता है, जो मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी उसमें अगर आपका नंबर आता है तो आपको अपनी जो एप्लीकेशन फ़ीस और जो आपकी सिक्योरिटी फ़ीस है वो निम्न अनुसार आपको जमा करवानी होगी। वो आपके आगे प्रोसेसिंग प्रक्रिया कहाँ पर जमा करवानी, कब करवानी है, वो जानकारी आपको आगे मिल जाएगी। तो देखो, अब जो भी स्टूडेंट इसमें फॉर्म भरना चाहता है तो इसमें आपकी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी किसी भी प्रकार की, कोई एप्लीकेशन फ़ीस आपको नहीं देनी, क्योंकि देखो इसमें जो लिस्ट जारी की जाएगी, आपके फॉर्म भरे जाएंगे, आपका एग्ज़ाम नहीं लगेगा, मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, उसके आधार पर आपका चयन है वो किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, देखो राशन डिपो भर्ती के लिए अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए, अभ्यर्थी को थोड़ा बहुत कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए, अगर आपको ज्ञान वगैरह है, कंप्यूटर का नॉलेज है और आपके पास उसके संबंध में कोई भी सर्टिफिकेट आपने कर रखा है वो आपके पास होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी जिस जगह के लिए आवेदन कर रहा है वो स्थानीय निवासी भी होना चाहिए। आप जहाँ से आवेदन कर रहे हैं, जिस पंचायत के लिए, वो इस पंचायत का ही विद्यार्थी आवेदन कर सकता है, ऐसा नहीं अलग पंचायत का विद्यार्थी आवेदन नहीं कर सकता। आगे देखो इसमें आपका सिलेक्शन है वो कैसे होगा, इस भर्ती के लिए सिलेक्शन आपका देखो, सबसे पहले इसमें एग्ज़ाम तो नहीं लगेगा, कौशल प्रशिक्षण होगा आपका, उसके बाद में आपका जो इंटरव्यू वो लिया जाएगा, इंटरव्यू छोटा मोटा इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू जैसे आप पास करते हैं फिर आपके डॉक्यूमेंट है वो वेरीफिकेशन, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये चार स्टेप कंप्लीट होने के बाद आप इस राशन डिपो वैकेंसी 2024 के लिए सेलेक्ट हो पाएंगे। अब देखो मैं इसका नोटिफिकेशन ओपन करता हूँ, अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के लिंक के नीचे तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैंने ये PDF फाइल है जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वहाँ पर मैंने सेंड करवा दी है। अब इसका नोटिफिकेशन ओपन करते हुए उसमें आपको सारी जानकारी बताता हूँ, अपनी ग्राम पंचायत का नाम है या नहीं है। अब देखो नोटिफिकेशन मैंने ओपन कर दिया है, ये नोटिफिकेशन है DPR हरियाणा के द्वारा जारी किया गया है और हरियाणा के अंदर ये भर्ती निकल गई है। अब आप बोलेंगे ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी थी, देखो वैकेंसी ऑल इंडिया के लिए नहीं है, जहाँ पे ये वैकेंसी निकल के आ रही है वहाँ नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है और ये वैकेंसी ऑल इंडिया का जो स्टूडेंट है चाहे वहाँ पे हरियाणा में रहता हो या वो आवेदन फॉर्म भर सकता है। ऑल इंडिया में ये वैकेंसी है, अलग अलग वैकेंसी है होती है जैसे अलग अलग राज्यों में जारी की जाती है उस तरह से हरियाणा में ही जारी की गई है। देखो हरियाणा में नए राशन डिपो लाइसेंस लेने के लिए 8 अगस्त 2024 तक आवेदन किया जा सकता है। जो प्रदेश में खाद्य नागरिक आपूर्ति जो उपयुक्त मामले विभाग है हरियाणा द्वारा ये कंट्रोल ऑर्डर 2022 के तहत नए राशन डिपो में लाइसेंस है वो जारी किया जाना है, उसके तहत ये नोटिफिकेशन है जारी किया गया। अब देखो इसमें जो इसमें बोला गया इच्छुक व्यक्ति है वो सारे पोर्टल माध्यम से नया डिपो के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। संबंधित वार्ड या गाँव में कोई भी आवेदन जिसकी उम्र 21 से 45 वर्ष है तथा वो कम से कम 12वीं पास होना चाहिए और कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए वो आवेदन फॉर्म भर सकता है। अब देखो इसमें जो हरियाणा के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पे जो वुमेन होगी और यहाँ पे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो गए और टोटल यहाँ पे वैकेंसी कितनी यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी निकल गई है, जिसमें हरियाणा के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है देखो अलग अलग जो भी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें अम्बाला हो गई उसमें वुमेन के लिए 130 में पद रखे गए हैं, बाकी 180 पद रखे गए हैं, टोटल इसमें 310 पद वो रखे गए हैं। इस प्रकार से इसमें वैकेंसी रखी गई है। देखो आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं, गुरुगांव हो गया, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ से आप पोस्टें देख के आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। ओनली 12th पास हो रखा स्टूडेंट है वो फॉर्म भर सकता है। उसके अलावा देखो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ऊपर आपको बताई थी पोस्टें वो अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज, यहाँ पे देखो डिस्ट्रिक्ट के नाम यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे जो आपके ब्लॉक है जो तहसील होती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो तहसील वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और आपका जो विलेज हो गया वहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखो जैसे कोई अम्बाला से बिलोंग करता है जो अम्बाला हो गया तो वो अपनी देखो यहाँ पे ब्लॉक देख लेना जो भी आपकी तहसील है, फिर आपके यहाँ पे जो विलेज है उसका नाम वार्ड का नाम देख लेना आप कौन से वार्ड में आते हैं जो वार्ड नंबर है और यहाँ पे कितने पद खाली है वोमेन के लिए जनरल कैटेगरी के लिए कि टोटल कितने पोस्ट हैं यहाँ पे चेक करके आप अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। सारी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल करवा दिया है तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। देखो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही जो नई नई वैकेंसियाँ निकल के आती है, नई नई योजनाएं आती है, आपको हमारे 5G दुनिया स्टडी न्यूज चैनल पे आपको मिलती रहेगी।